बहुत अच्छा लगा यार एक्सपीरियंस. हम लोग का आई गेस सेकंड वर्कशॉप था शैंसडॉन. शैंसडॉन क्या बोल रहा हूं, शैंसडॉन. सो या आई मीन आई एम स्टिल इन दैट जोन. हाँ, खत्म करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि फ्लो अच्छा पकड़ लिया था हमने. एंड अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स भी काफ़ी एंजॉय करने लगे थे बिकॉज दे वर ऑल्सो गेटिंग इनटू द फ्लो एंड वो भी रिदम में आ रहे थे जो हम लोग जो डांस सिखा रहे थे उसका. तो अच्छा था, अच्छा था, अच्छा, बहुत अच्छा वर्कशॉप था. मेरे को एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, जो पेरेंट्स थे हम लोग ने काफ़ी फ्लो वर्क रखा था, मतलब नीज वीज पे, तो वो लोग भी वो कर रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब इंस्पायरिंग सी बात है क्योंकि वो एज पे भी वो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग. मतलब वो ऐसा नहीं था कि अरे यार ठीक है मेरे बच्चे डांस कर रहे तो मैं नीचे क्यों जाऊँ, वो लोग सब कर रहे थे एंड बहुत ही अच्छा था वो. अच्छा लगा फॉर किड्स. आई फील आजकल के किड्स तो अलग ही है, मतलब अच्छा ही डांस करते हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो एंथू लेवल रहता है ना, कि एक होता है कि सिर्फ डांस मतलब कुछ भी डांस कर रहे हैं, पर वैसा नहीं है. जो बच्चे थे उनका मन था कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सीखे सेम वे में, सेम बीट पे मारे उसको. ऐसा नहीं मतलब 5-6 साल के भी बच्चे थे, वो लोग भी ट्राई कर रहे थे. और एक लड़की थी उसने कुछ जीता भी है इन लोगों का कुछ इंटरनल कॉम्पिटिशन में. हाँ, उसने बहुत अच्छा किया. मतलब उसकी जो कोशिश थी वो पीछे भी थी, वो छोटी है, उसको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट जितना हमसे वो आगे पीछे हम लोग कर रहे थे बट उसको नहीं दिख रहा, तभी भी आई सॉ हर एंड द वे शी वाज लर्निंग एंड द वे शी वाज डूइंग इट. वो एंथू है ना, कि वो अच्छा ही अच्छा लगा. इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस ऑल्सो टू यार, जो हम लोग शूट डेली लाइफ में करते रहते हैं आफ्टर दैट हम ये देखते हैं ना, तो हमें भी इंस्पिरेशन. जब आप किसी को सिखाते हो अगर वो जी जान से, अगर उसके उसे हो नहीं रहा है, बट नॉट हो नहीं रहा है कम्प्लीटली, बट वो अटेम्प्ट जो है ना वो देख के बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. एग्जैक्टली. किसी को डांसर बनना आई थिंक यार वो एक तो आपको अंदर से एक वो जुनून रहता है या एक चाह आपका पैशन ही आपको डांसर बना सकता है और कुछ नहीं. एग्जैक्टली. देयर इज नथिंग, मतलब वो मैकेनिकल तो कोई भी कर सकता है यार कि वन टू, बट जो अंदर से आता है दिल से तभी आप लोगों से कनेक्ट होते हो और तभी आपका डांस. अगर आपको कुछ बनना है, भले ही डांसर नहीं बोलना, कुछ भी बनना है, कुछ भी बनना है, वो अपने आपका पैशन के ऊपर. अगर आपका पैशन एक दिन में मर जाता है तो वो उसको पैशन नहीं बोलते. अगर आपका पैशन कंटिन्यूस चलते रहता है इवन इफ यू आर नॉट सक्सीडिंग इट, मतलब ऑब्वियसली अगर आप डांस कर रहे हो तो एक दिन में आपको एक स्टेप नहीं आएगा, आपको टाइम लगता है, बट दैट प्रैक्टिस जो आप करते हो व्हेन यू अचीव इट, दैट इज योर पैशन. अगर आप एक स्टेप नहीं आ रहे तो आप छोड़ देते हो, उसको पैशन नहीं बोलते. एग्जैक्टली.